दोस्तों ये गलती कभी मत करना, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसी चूड़ियां कभी नहीं पहननी चाहिए, व्रत खंडित हो जाता है, पति पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ता है, ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों सुहागिन महिलाओं के जीवन में करवा चौथ का खास महत्व होता है। महिलाएं पूरे साल इस विशेष दिन का इंतजार करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। शास्त्रों में इस व्रत को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ये त्योहार पति पत्नी दोनों के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। खास तौर पर ये पर्व उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली स्त्रियां भी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आइए जानते हैं कि साल 2023 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी के 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात 8:15, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसी चूड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और पति पर भारी कष्ट आते हैं, दोनों के बीच संबंध बिगड़ सकते हैं, व्रत सफल नहीं होता। ऐसी गलती कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, करवा चौथ के दिन एक महिला पराई स्त्री की चूड़ियां कभी न पहने। इससे आपका बसा बसाया घर बर्बाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। अक्सर ये गलतियां कई महिलाएं कर देती हैं और उन्हें अशुभ परिणाम मिलते हैं, इसीलिए आप ये गलती कभी न करें, बहुत ही अशुभ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कभी सफल नहीं होता, चूड़ियां आपकी खुद की होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 2, करवा चौथ पर नंगी कलाइयां, ये आपके लिए सबसे बड़ा दोष है। दरअसल करवा चौथ के दिन हाथों में चूड़ियां ना पहनना ये इस बात का सबूत है कि आप अपने पति की मृत्यु का शोक मना रही हैं। इसीलिए कम से कम खास तौर पर करवा चौथ के दिन आपके हाथों में हरी भरी चूड़ियां होनी चाहिए, व्रत सफल होता है। दोस्तों नंबर 3, करवा चौथ के दिन एकदम सफेद चूड़ियां कभी नहीं पहननी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। जो महिलाएं सफेद चूड़ियां पहनती हैं उसके पति का दुर्भाग्य बहुत ही जल्दी आता है। ये इतना अपशगुन माना जाता है कि महिला के पति पर बुरे संकट आते हैं। शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफाचट सफेद चूड़ियां पहनने से परहेज करना चाहिए। इस दिन महिलाओं के हाथ हरे भरे होने चाहिए। इस दिन लाल चूड़ियां हरी, पीली, गुलाबी, मेहरून हाथों में होनी चाहिए, माता पार्वती से प्रसन्न होती हैं। दोस्तों नंबर 4, हमेशा महिलाओं को अपने हाथों में जोड़े से ही चूड़ियां पहननी चाहिए। सिंगल चूड़ी और 3 चूड़ियां हाथों में नहीं पहननी चाहिए, इससे पति का दुर्भाग्य आता है। साथ ही साथ चटकी हुई चूड़ियां बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। ऐसी चूड़ी महिला के पति पर संकट लाती है। चटकी हुई चूड़ियां हर हाल में अशुभ मानी जाती हैं और बात जब करवा चौथ की हो तो ऐसा कतई ना करें। दोस्तों गहनों से सजी सवरी स्त्रियां माता पार्वती को बहुत प्रिय हैं। अगर आप भी अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं तो आप माता पार्वती को प्रिय हैं, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। इसीलिए माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कॉमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती, हैप्पी करवा चौथ। माँ के लिए एक लाइक तो जरूरी करें। दोस्तों पति पत्नी के अटूट विश्वास के रिश्ते का प्रतीक होता है करवा चौथ का त्योहार। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों करवा चौथ पर पति पत्नी के लिए व्रत रखती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको जरूर जान लेने चाहिए। करवा चौथ का व्रत रखने से पहले करवा चौथ के दिन महिलाएं अच्छे से सजती हैं, संवरती हैं, तैयार होती हैं, नए गहने चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों करवा चौथ पर माताओं बहनों को कुछ काम ऐसे हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप एक पति हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी पत्नी को जरूर शेयर करें, उनको भी ये वीडियो दिखाएं। माताओं बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। करवा चौथ पर एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक महिलाओं को कुछ बातें जरूर फॉलो करनी चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यहाँ पर 8 ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी साइंस के मुताबिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि करवा चौथ के दिन माताएं बहनें और पति भी देर तक ना सोएं।
बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह 8, 8, 9, 9 बज जाते हैं, धूप निकल जाती है, तब भी नहीं उठते हैं, क्योंकि दोस्तों व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। और इसीलिए अगर आपके उठने से पहले सूर्योदय हो गया तो आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए माताएं बहनें जल्दी उठ जाएं। इसके अलावा पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग एक प्यार का प्रतीक माना जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए तो मतलब महिलाएं अगर मांग वगैरह भरती हैं तो वो भी लाल रंग के कुमकुम से भरती हैं। मेहंदी भी लाल रंग की लगाई जाती है, इसीलिए जहां तक हो सके करवा चौथ के दिन महिलाएं काले कपड़े ना पहने। इसी तरह सफाचट सफेद भी ना पहने, लाल कलर के वस्त्र पहने, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों करवा चौथ का त्यौहार जो महिलाएं ससुराल में मनाती हैं, आपको भी पता होगा, तो इस त्यौहार पर महिलाओं को अपने गांव पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, मतलब अपने पीहर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि ससुराल में रहकर ही इस त्यौहार को मनाना चाहिए। और करवा चौथ के व्रत के दिन सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। इसीलिए व्रत शुरू करने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। ये सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। यानी कि करवा चौथ से पहले एक दिन पहले जब आप भोजन करते हैं, तब सास के हाथ से मिठाई का भोजन करें, आप भगवान की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें, और फिर ही करवा चौथ का आप व्रत रखें। फिर महिलाएं चांद निकलने का इंतजार करती हैं और फिर छलनी से महिलाएं अपने पति को देखती हैं और उसके बाद पति का मुख देखने के बाद ही व्रत को खोलती हैं। तो ये तो आपको करना ही है, लेकिन व्रत खोलने से पहले आप ये भी ध्यान रखें कि अपने से जितने भी बड़े हैं आपके परिवार में, सास ससुर, जो भी आपके पति से बड़े भाई साहब, बड़े वाली भाभी जी, उन सबके पैर आप चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लें। और महिलाओं को घर में किसी भी बड़े छोटे का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाएं अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें और ये बात आप जिंदगी में हमेशा फॉलो करते रहें। ये जरूरी नहीं है कि आज करवा चौथ का व्रत है इसलिए आप ऐसा करें। आपके शिष्टाचार, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपके मैनर्स, ये चीजें बताती हैं कि आप बड़ों का कितना सम्मान करते हैं। इसीलिए महिलाओं को कभी भी बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। शास्त्रों में ये भी कहा गया है दोस्तों, करवा चौथ के व्रत के दिन महिलाओं को अपने पति से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और इसका कुप्रभाव फिर आपके पति की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। वहीं करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचें, जैसे कि सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई बिल्कुल भी दान ना करें किसी को भी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सफेद जो कलर है वो विधवा महिलाओं का एक प्रतीक माना जाता है। महिलाएं, माताएं, बहनें, मेरी इस बात का बुरा ना माने, माफ कीजिएगा, लेकिन जो सफेद कलर की साड़ी, सफेद कलर की ड्रेस पहनती हैं, ऐसा वे महिलाएं करती हैं जो विधवा हो चुकी हैं। तो इसीलिए सफेद कलर को आप इग्नोर करें इस करवा चौथ के व्रत के दिन जितना हो सके उतना, और आप खुद भी सफेद कलर के कपड़े या साड़ी बिल्कुल भी भूल कर भी ना पहने, बहुत ही अशुभ और बहुत ही नेगेटिव होता है। और सफेद कलर की चीज आप कभी दूसरों को भी दान में ना दें। इसके अलावा करवा चौथ के दिन महिलाओं को खास करके स्पेशली ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपने सुहाग से संबंधित चीजें कभी भी किसी महिला को नहीं देनी है। कई बार महिलाएं क्या करती हैं कि अरे मेरी वो मांग भरने की कुमकुम नहीं मिल रही है तो पड़ोसन से ले लेती हूँ। ऐसी गलती ना करें। किसी के मांगने पर भी आप ना दें। सुहाग से संबंधित चीजें किसी भी दूसरी महिला के साथ शेयर ना करें। चाहे आपकी चूड़ियां हैं, चाहे आपके कंगन, जो भी है, आपकी पायल पहनती हैं, जो आप वो दूसरी महिला को बिल्कुल भी ना दें। स्पेशली करवा चौथ के व्रत के दिन तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। और आज के दिन नुकीली चीजों का इस्तेमाल भी ना करें, जैसे कि सुई, धागा, कैंची, ये चीजें काम में ना लें। इसके अलावा कढ़ाई, सिलाई, बटन लगाना, इस तरह के कामकाज भी आज के दिन ना करें तो अच्छा माना जाता है। तो ये तो करवा चौथ के व्रत से संबंधित कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसी के साथ हम जानते हैं कि सरगी में क्या क्या खाया जा सकता है। दोस्तों सास अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी थाली में सुहाग की चीजों के साथ ही मिठाइयाँ, फल, ड्राई फ्रूट जैसी चीजें भी होती हैं। इन्हें खाकर ही करवा चौथ का व्रत शुरू किया जाता है और शाम को चांद की पूजा के बाद पति के हाथ से पानी पीकर ही व्रत खोला जाता है।
तो बिना अन्न जल ग्रहण किए जाने से इस व्रत में थकान और कमजोरी का एहसास ना हो। इसके लिए बेहद जरूरी है कि सरगी में उन चीजों को शामिल कर लें जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे। तो सबसे पहले है ड्राई फ्रूट्स। सरगी में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है। बादाम, अंजीर, मखाने, अखरोट, ये सारे मेवे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और कमजोरी का एहसास नहीं होता। नंबर दो पर है केले। केले को संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसे खाने से पेट भरा रहता है, शरीर पूरे दिन एनर्जेटिक फील करता है। तो सरगी में अन्य दूसरे फलों के साथ केले को जरूर शामिल करें। केले के साथ दूध का सेवन तो और भी ज्यादा फायदेमंद रहता है। नंबर तीन, दूध से बनी चीजें। सरगी में खाए जाने वाली चीजों में दूध और इससे बनी चीजों को शामिल करें। इससे भी पेट भरा रहता है, शरीर में एनर्जी बनी रहती है। मेवों के साथ दूध, केले के साथ दूध के अलावा खीर, दूध से बनी मिठाइयाँ भी सरगी में खाई जा सकती हैं। अब दोस्तों अगला है नारियल पानी। नारियल पानी पीने से बॉडी हाइड्रेट रहती है और कमजोरी नहीं फील होती, और तो और बहुत ही ज्यादा प्यास भी नहीं लगती। तो इसे भी इसलिए नारियल पानी को अपनी सरगी का हिस्सा बना लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की बताई गई वीडियो ये जानकारी पसंद आई होगी। और करवा चौथ के व्रत के दिन अगर कोई भी भिखारी आपके घर के द्वार पर आता है, भिक्षा मांगने के लिए आता है, तो उसको खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दें। कुछ ना कुछ उसको दान जरूर करें, लेकिन ध्यान रहे कोई भी सफेद चीज आपको उसे दान नहीं करनी है, जैसे दूध, दही या कोई भी मिठाई जो आपके घर में हो। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि घर में मिठाई रखी है तो यही दे देती हूँ, लेकिन दोस्तों मिठाई आप दे सकती हैं, परंतु फिर भी ध्यान रखिएगा कि वो सफेद रंग की ना, क्योंकि सफेद रंग को, जैसा मैंने आपको बताया कि वो विधवा का प्रतीक होता है, इस दिन ऐसा भूल कर भी ना करें। माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सर्वोपरि है, उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागन महिलाएं जान सकती है कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहली बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोना नहीं चाहिए, और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई ना कोई समस्या सदैव बनी रहती है, इसीलिए बुधवार के दिन अपने बाल ना धोएं। दूसरी बात, आज का समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त में बालों को काटने या धोने के चलन से जुड़ गए हैं। किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल ना कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले से ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ माना नहीं जाता, और खास कर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी ना धोएं, इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार को व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं, और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। शास्त्रों अनुसार भी आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं।
ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने व कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आपके ग्रह भी अपनी दशाएं बदलने लगते हैं। ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता है या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। छठी बात, शनिवार के दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन ना तो सर में तेल लगाएं और ना ही अपने बालों को धोएं। इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप थोड़ी सी हल्दी व बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लें, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। पर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही आप शनिवार को बाल धोएं अथवा इस वार को बाल कदापि न धोएं। सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसीलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वच्छ रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है, सुहागन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आती है तो सिंदूर से जुड़ी ये खास बात मालूम होना बहुत जरूरी है, वरना इसके गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सुनने में फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि जब कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय में भी उनके रिश्ते और भी ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाती हैं और अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी ये गलती करती है तो आप बहुत भारी संकट में पड़ सकती है, साथ ही इसका खामियाजा आपके पति को भुगतना पड़ सकता है। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम कभी किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कई गलती कर बैठती है। दोस्तों, नंबर एक, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी में आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दोस्तों, नंबर दो, ये बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसे जोड़े को जरूर मिलता है। दोस्तों, नंबर तीन, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सवरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं चार चांद। दोस्तों, नंबर चार, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि उसका पति से लड़ाई झगड़ा होने लगता है और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है, इसीलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर पाँच, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। ये आपके रिश्तों में दरार आने का संकेत है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि बुरी बलाएं टल जाए। नंबर छह, जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। ऐसी स्त्री सपने में देखना बहुत ही शुभ संकेतों को दर्शाती है। दोस्तों, नंबर सात,
जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले माथे से चूम कर लगाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। माता पार्वती साक्षात इन्हें आशीर्वाद देती है। दोस्तों नंबर 8, हिंदू धर्म में नवरात्रे, करवा चौथ और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में अगर पति के द्वारा पत्नी मांग में सिंदूर लगवाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके एक साथ रहने का प्रतीक है, इससे वो काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं और प्यार हमेशा बना रहता है, ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं टूटते। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।